हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई कैन एक्सप्लेन यू चैप्टर 8 एट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। हाउ आर यू नाउ, आस्क आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत स्कूल से आते टाइम पे, वो बहुत दिन से एब्सेंट था, तो उसकी फ्रेंड पूछती है आरती, कैसे हो तुम? तो रजत आज मैं अच्छा हूँ करके रिप्लाई करता है। जस किरात, यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट वाइल यू आर एट होम। तुम इतने दिन घर पे थे तो तुम बहुत खेले होंगे। रजत, हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट। रजत गिव द आंसर, अगर मेरे को बुखार था तो कौन मेरे साथ खेलना चाहेगा, तो और मैं कड़वा दवा पी के घर में दिन निकाल रहा था, एंड मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। जसकिरात, ये ब्लड टेस्ट वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। जसकिरात पूछता है, ये ब्लड टेस्ट हुआ तुम्हारा, क्यों हुआ, ये बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें। रजत, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट, दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, दैट इज़ हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया। रजत बताता है अपनी ब्लड टेस्ट के बारे में, सिर्फ सुई लगाया मेरे उंगली में और वो ऐसा चुभा कि जैसे एक एंट बाइट मीन्स एक चींटी काटने जितना ही मेरे को दर्द हुआ, और 2-3 ड्रॉप्स मेरा खून निकाले, ब्लड निकाले एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग। टेस्ट करने की वजह से, उसकी वजह से मुझे पता चला मेरे को मलेरिया है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। मच्छर काटने से तुम्हें मलेरिया हुआ होगा। रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। वो हमें ब्लड टेस्ट करने से ही पता चला मुझे मलेरिया है। जस्ट किरात, देर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेस मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज। जसकिरात कहता है, मेरे घर के पास बहुत सारे मॉस्किटो हैं बट किस मच्छर से मुझे मलेरिया हुआ है पता नहीं। तो नैन्सी रिप्लाई देती है, सभी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होते, कोई के ऐसा मच्छर होता है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी है, एक वो बीमारी हो जाता है। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। आरती कहती है, सभी मच्छर सेम दिखते। तो रजत रिप्लाई देता है, बट सभी मच्छर सेम दिखते हैं पर उसमें भी डिफरेंस है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज। हियर वन पिक्चर इज शोन, सी किस तरीके से हमारे ब्लड निकाल के उसको टेस्टिंग करते। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर, द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन। एक डॉक्टर माइक्रोस्कोप में ब्लड ड्रॉप्स डाल के उसकी पता कर रही है कि ब्लड ड्रॉप्स में क्या क्या इंक्लूड है। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? नैन्सी रजत से पूछती है कि जहाँ तुम्हें मच्छर काटा है वही जगह से ब्लड निकाल के टेस्ट करे थे? रजत, ऑफकोर्स नोट, हाउ डू आई नो वेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? रजत रिप्लाई करता है, नहीं, मुझे कब और कहाँ मच्छर काटा था पता नहीं है। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? नैन्सी रिप्लाई देती है, मुझे तो उन्हें कैसे पता चला मलेरिया है तुम्हारी ब्लड टेस्ट से, तुम्हें कैसे पता चला मलेरिया रिपोर्ट में आया है, ब्लड रिपोर्ट में आया कैसे करके। सो हियर वन रिपोर्ट इज शोन, सी यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया हुआ है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल के अंदर मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया की सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन दैट रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ ए मलेरिया। यहाँ पे रिपोर्ट हमें जो आ जाता है ब्लड टेस्ट करने से, वो रिपोर्ट दिया हुआ है। मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया।
Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now, tablets are made from this. पहले के ज़माने में मलेरिया के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था. उस टाइम सिंचोना ट्री का जो छाल होता है उसको निकाल के उसकी पानी को उबाल के उसको छान के वो पानी मलेरिया पेशेंट को देते थे. उस वजह से मलेरिया का ट्रीटमेंट होता था. बट नवे डेज अभी के ज़माने में मलेरिया के लिए टैबलेट मेडिसिन बने हुए. नेक्स्ट, एनीमिया. व्हाट इज दैट आरती? यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन, बट दे टूक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड. द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया. आरती, यू नो, आरती कहती है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है तो उसमें मेरा सिरिंज फुल ऑफ ब्लड. सिरिंज वो जिसके अंदर ब्लड फिल करते हैं, ये ब्लड टेस्ट करते हैं टाइम पे, उसके उस ब्लड टेस्ट में मेरे को एनीमिया करके बताया है. रजत, व्हाट इज दैट? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देर इज ए लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड. एनीमिया मीन्स मेरे ब्लड हीमोग्लोबिन में आयरन की पॉइंट की कमी है. द डॉक्टर गेव सम मेडिसिंस टू गिव मी स्ट्रेंथ. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. मेरा खून में जो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी बताया है, सो मुझे डॉक्टर ने गुड़, जैगरी मीन्स गुड़, आमला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे वेजिटेबल्स खाने के लिए बताए. उसकी वजह से मेरे बॉडी में आयरन की कमी जो है वो सही हो जाएगा. नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? वो पूछता है उसकी वजह से कैसे हमारी बॉडी में आयरन ऐड होता है. जसकिरा, देर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर एस्टरडे. आयरन के बारे में न्यूज़पेपर में कल मैंने देखा था. रजत, लाफिंग, सो देन यू एट द आयरन और वॉट? रजत पूछता है क्या तुम्हारी ब्लड में कमी था आयरन की तो तुम आयरन खाए. आयरन मीन्स हियर वो लोखन के हिसाब से बोलता है, लोखन खाए. आरती, सिल्ली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज. आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज. आफ्टर आई एट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप. आरती, सिल्ली मीन्स मजाक करते हुए, ये आयरन जो कीज बनाने में यूज़ होते हैं वो लोखन नहीं खाने के लिए बोला है. मेरे को जो डॉक्टर ने बोला है वो चीज़ मैंने खाने के बाद, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, आमला, जैगरी, ये सब खाने के बाद मेरा जो खून में जो हीमोग्लोबिन की कमी थी वो कवर अप हो गया. नाउ नेक्स्ट पेज. एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल. 17 नवंबर 2007 थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया. दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बींग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बींग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. एनीमिया चिल्ड्रन आर ऑल्सो बींग गिवन आयरन टैबलेट्स. 2007 में जो दिल्ली के एक स्कूल में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में हुआ था, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल होता है वहाँ पे खाना मिलता है स्कूल में. सो बच्चों को सब फैसिलिटी खाने में नहीं रहता, लाइक ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स या जिसमें आयरन की पॉइंट्स ज़्यादा है वो चीज़ बच्चों को नहीं मिल रहा था खाने में. सो उसकी वजह से उनको बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम हुआ था बच्चों की हेल्थ में. सो वहाँ की स्कूलों में उसके बाद आयरन टैबलेट्स देके बच्चों को ठीक कर दिए गए. एक इंसिडेंट ऑफ दिल्ली स्कूल इज गिवन. नाउ यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया हुआ है, क्लिनिकली पैथोलॉजी रिपोर्ट. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लाइक एनीमिया था तो एक रिपोर्ट आया हुआ, दोनों में दिया हुआ है एक बच्चे के. आरती, किस तरीके से हमें मेडिकल की रिपोर्ट मिल जाते हैं, इट इज़ श्योर इन दिस रिपोर्ट. ओके, नाउ बेबी मॉस्किटोज. जसकी रात, देर इज़ ए पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड फॉर आवर क्लास. जसकी रात की क्लास के बाहर मलेरिया के रिलेटेड पोस्टर था. क्या क्या पोस्टर है? सी, आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? बीवेयर, मॉस्किटोज से बचने के लिए. बीवेयर मीन्स बचना. मॉस्किटोज से बचने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है? दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ये बीमारियाँ सिर्फ मलेरिया नहीं, डेंगू, चिकनगुनिया और बीमारियाँ भी फैलाते. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यूर हाउस.
फर्स्ट पिक्चर, तुम्हारी घर के आसपास पानी जमा मत करो। फिल द पिट्स, अगर कोई खड्डे है तो उसको भर दो। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। तुम जिसमें पानी भरते हो वो सबको अच्छे से क्लीन कर दो और उसको सुखा के रखो। लाइक कूलर्स अगर तुम यूज़ करते हो, उसको पानी गिरता है तो उसको आफ्टर यूजिंग तुम उसको सुखा के रखो। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट यूअर सेल्फ, तुम सोते टाइम पे, तुम्हारे घर पे रहते टाइम पे अगर मॉस्किटो ज़्यादा है तो अपने आप को बचने के लिए मॉस्किटो के पर्दे आते हैं उसको यूज़ करो। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सेम प्लेस, एट सम प्लेस, अगर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है तो वहाँ पे केरोसिन की स्प्रे करने से मच्छर कम आते हैं। सो यू कैन यूज़ दीज ऑल मेथड्स फॉर बिवेयरिंग फ्रॉम मॉस्किटोज, मॉस्किटोज से बचने के लिए ये सब मेथड यूज़ करो। नाउ सी रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। रजत पूछता है लार्वे मीन्स क्या है, पोस्टर में मैंने लार्वे भी देखा हूँ। नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज, जो बेबी मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटोज की जो छोटे बच्चे होते हैं उसको लार्वे कहते हैं। बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, वो मॉस्किटोज जैसे नहीं दिखते। लार्वे मीन्स मच्छर के अंडे जैसे होते हैं, सो वो मॉस्किटोज की शेप में नहीं दिखाई देते। आरती, वेयर डिड यू सी देम, तुम कहाँ देखे हो। नैन्सी, देर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, वेन आई लुक देर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग, आई वॉज सरप्राइज वेन मम्मी टोल्ड मी दैट दिस हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्किटोज ले इन वाटर। आरती पूछती है नैन्सी को तुम कहाँ देखे हो, तो नैन्सी एक बताती है कि अपने घर के पास एक ओल्ड पॉट, पुराना पॉट पड़ा था, उसके अंदर बहुत दिन से पानी जमा हुआ था, सो उसके अंदर एक थ्रेड लाइक मीन्स एक थ्रेड मीन्स डोरा, तो डोरा जैसे छोटे छोटे कीड़े जो ग्रे कलर के कीड़े स्विमिंग करते हुए तैरते हुए दिख रहे, तो उसकी मम्मी उसको बताती है ये एग्स है, अंडे मॉस्किटोज की एग्स विच मॉस्किटोज ले इन वाटर, इसी के ये मॉस्किटोज के अंडे इसी के वजह से बाद में मॉस्किटोज स्प्रेड होते, दे आर कॉल्ड लार्वे, ये मॉस्किटोज के अंडे इसको लार्वे कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, मैं उसके बारे में इस तरीके से लार्वे के बारे में डिटेल्स रेडियो में भी सुनी हूँ। रजत, व्हाट डिड यू डू। नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। तो रजत पूछता है तुमने वो पानी का क्या करे, देखे तो क्या करे, तो नैन्सी बोलती है मेरे पापा उसको पानी को तुरंत फेंक दिए और उसको क्लीन करके सुखा के रख दिए ऊपर, ताकि उसके अंदर कोई भी गंदा पानी जमा नहीं होए और लार्वे भी कलेक्ट नहीं होए। जसकिरात, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिसीजेस स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकिरात कहती है साजिया आंटी जो उसकी आंटी है वो भी बोलती है कि फ्लाइज मीन्स मच्छर के अलावा दूसरी फ्लाइज भी हमारे स्प्रेड डिसीजेस बीमारी फैलाते हैं लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेस। फ्लाइज जो मक्खियाँ होते हैं घर में तो वो काटते नहीं है तो वो कैसे बीमारियाँ फैलाते हैं, मच्छर तो काटते हैं तो बीमारी फैलाते हैं, तो फ्लाइज कैसे बीमारियाँ फैलाते हैं, क्योंकि वो फ्लाइज जो मच्छर मक्खियाँ होते हैं वो गंदे चीज़ों में जाके बैठते हैं, फिर हमारी खाने के ऊपर वो अगर बैठा तो वही खाना हम खाते हैं तो गंदा खाना हमारा खाना गंदा हो जाता है, उसकी वजह से फ्लाइज भी बीमारी फैलाते हैं।